सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आई होप कि इस पैंडेमिक में आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं आपको अभी एक गुड न्यूज देने वाला हूँ, थोड़ा पास आइए। अभी आधे घंटे में ना आपका भाई जा रहा है घूमने, और वो भी पहाड़ पे। जो जो आप में से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, आपको तो पता चल ही गया होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाला था, उसमें मैंने कहा था कि मैं पहाड़ में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं ये तो अभी फिलहाल कुछ डिसाइड नहीं किया। 2-3 जगह हमने सिलेक्ट करके रखा है। पहले सिलीगुड़ी जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे वहां जाके कि कहाँ जा रहा है। ऑफ बीट डेस्टिनेशन होने वाला है थोड़ा। दार्जिलिंग तो नहीं जा रहा है, पर उसी आसपास में कहीं जा रहा है, ऑफ बीट डेस्टिनेशन है थोड़ा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो चलिए फिर बात तो करेंगे, रास्ते में जाते जाते बात तो कर ही लेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये हम निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे सैगत के पास, क्योंकि वो भी मेरे साथ जाने वाला है। तो हम लोग कुल मिला के 3 लोग जा रहे हैं यहाँ से। मैं, सैगत, मेरा R3 पे ही जा रहे हैं, क्योंकि सैगत का बाइक में कुछ नंबर प्लेट का कुछ इशू चल रहा है, तो वो भी मेरे साथ जा रहा है। और उसका एक दोस्त जा रहा है जो कि सिलीगुड़ी से आ रहा है। तो कुल मिला के हम 3 लोग जा रहे हैं। सो अभी क्या, इसी सुबह का तो इंतज़ार था बहुत दिनों से। चलिए मतलब क्या बताऊं मैं, ना आपको बोल के बयान नहीं कर सकता कि कितना खुश हूं मैं। क्योंकि यार पहाड़ का ना एक अलग ही वाइब होता है यार, और ऊपर से आज का वेदर भी ठीक ठाक है। मतलब बारिश होने का तो चांस अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, पर अभी तक तो बारिश होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो ये हम पहुंच चुके हैं सैकत के घर। तो अभी झट से उसको पिक करेंगे और निकल जाएंगे। थोड़ा बैग वैग ठीक करना है। चलो सैकत को बुलाते हैं। ओके, तो ये हम निकल चुके हैं सैकत को, मैंने पिक कर लिया है। तो अभी निकल रहे हैं, वेदर तो बड़ा ही अच्छा है अभी, और क्या। तो हाँ, मैं जो प्रॉब्लम के बारे में आपको बोल रहा था ना, वो प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी जो है पैंडेमिक चल रहा है, तो इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, आई थिंक उसमें कोई तो अभी अनलॉक जो 4 है उसमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अगर कहीं पुलिस ने रोक लिया और थर्मल पे जो जो चेक होता है ना, टेम्परेचर जो चेक होता है, वो चेक करने के लिए रोका, तो भाई दिक्कत है थोड़ा। क्योंकि देखो कोरोना तो नहीं है, पर कि हेलमेट वेलमेट पहन के ना इस धूप में गाड़ी चलाने की वजह से टेम्परेचर तो थोड़ा तो हीट तो होगा ही ना। ओके, सो ये हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट। हमने यहाँ पे लिया था आलू का पराठा और चना और चाय। ब्रेकफास्ट तो ज़बरदस्त हो गया है, अभी सीधा लंच के लिए रुकेंगे। और बाई रोड जो हम जाने वाले हैं, हम सोच रहे थे कि पूर्णिया होके जाएंगे, क्योंकि मोड़ग्राम का जो रास्ता है वो अभी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, बारिश के लिए गड्ढा वड्ढा बहुत हो चुका है वहाँ पे। तो हम मोड़ग्राम तो स्किप कर रहे हैं, हम जो जाएंगे पूर्णिया, भागलपुर पूर्णिया होके जाएंगे, मैसेंजर जो डैम है वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अभी है मैसेंजर में, मैसेंजर डैम आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, वहाँ से बहुत फ्लो में पानी निकल रहा है।
तो पीछे का जो नज़ारा है आप देख ही सकते हो, मैं एक बार बैक कैमरा करता हूँ, आप एक बार देखो। तो एक ही ट्रिप पे दो दो डेस्टिनेशन हो गया, मैसेंजर भी मैं आना चाहता था तो हो गया वो भी कवर। बहुत अच्छा जगह है, आप एक बार आओ, आके एक्सप्लोर करके देखो यहाँ पे। सो एक बार आपको पीछे की तरफ मैं कैमरा कर रही हूँ, आप एक बार देखो। ओके, तो ये हम निकल चुके हैं मैसेंजर से, काफ़ी टाइम स्पेंड कर यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग आए थे 1 बजे और अभी बज रहे हैं 1:34, तो लगभग आधा घंटा हमने यहाँ पे स्टे किया, कुछ पिक्चर क्लिक किए हम। अगर वो पिक्चर आपको देखना है तो आपको पता है कहाँ आपको जाना है, इंस्टाग्राम में जाना है ऑब्वियसली बात है। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अच्छे अच्छे पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस मेरा राइड्स का जो अपडेट रहता है वो भी मिल जाएगा आपको। सो आगे का एक बार नज़ारा देखो यार, बहुत ही खूबसूरत है। इस रोड पे मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ, जस्ट माइंड ब्लोइंग है इस रोड का जो नज़ारा है ना, बस लाजवाब है यार। पेपर हाँ हाँ, सो ये जो लोग चेकिंग के रुके थे हमें कुछ देर पहले, इन्होंने ही चेकिंग किया था, सो इसीलिए जाने दिया। जाहिर सी बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे हो इस सिचुएशन में, तो पेपर तो एटलीस्ट चेक करेंगे ही ना। सिलीगुड़ी में हमने स्टे नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते थे ना कि पहाड़ से आपको सनराइज़ दिखाए और हम खुद भी देखें, पर हमें क्या पता था कि ऊपर वाला ने कुछ और ही अलग सा प्लान करके रखा था, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा था ना जब हम निकले थे सेवक से, लगभग 3 या 3:30 बज रहा था, और मुझे नहीं लगता कि काली झोड़ा से ये जो सिटोंग का जो रास्ता है रात को 3:30 बजे बारिश में कोई आया होगा, मुझे नहीं लगता है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, हम थोड़ा पागल हैं पर इस बात के हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि लाइफ में ना कभी कभी पागल होना भी जरूरी होता है। Thank you.
सो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यानी कि एक घंटा पहले हम यहाँ पे पहुँचे हैं। होल नाइट हमने ड्राइव किया है, सैकत और मैं ऑल्टरनेट करके ड्राइव किया है हम लोगों ने। तो रास्ता जो था मैंने सीरियसली यार बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। आप वीडियो में देख सकते हो जितना GoPro का बैटरी बैकअप दे रहा था उतना तो हमने फुटेज रिकॉर्ड कर लिया, आप देख सकते हो, आप देख ही होंगे। तो फिलहाल अभी तो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद साइड सीन में जाएंगे। ये जो आवाज़ आपको सुनाई देना है ना, ये एक झरना की आवाज़ है, एक वाटरफॉल्स है यहाँ पे। आई थिंक ये नीचे से बह रहा है थोड़ी थोड़ी, मुझे पता नहीं ये कैमरा में दिखाई देगा कि नहीं। वो जो वहाँ पे जो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा शायद, तो यहाँ से एक वाटरफॉल्स है और चारों तरफ पूरा ना ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पे। और सुबह से बहुत फॉग है यहाँ पे, बहुत फॉग है, विजिबिलिटी तो बहुत एकदम ज़ीरो था। अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब आप अगर देख सकते हो वहाँ पे तो आप देखो। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पता है ना क्या करना है, एक लाइक तो बनता है यार, और सेकंड पार्ट के लिए वेट करो। तो आज का जो ब्लॉग है यही मैं ख़त्म करता हूँ, और यहाँ का जो साइड सीन्स है वगैरह वगैरह जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे घूमेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। और हमारा जो रिटर्न जर्नी होगा वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। तो ये ब्लॉग ज़रूर देखना, और इसके आगे का यानी कि सेकेंड पार्ट जो है वो भी ज़रूर देखना। सो और क्या, टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।